हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आई होप यू आर आर डूइंग गुड सो आज हम कंप्यूटर पे कुछ एमसी लेके आए हैं तो इस टॉपिक पे हमने प्रीवियस जो भी एमसी की हमारी प्लेलिस्ट है आपने देखा होगा कि इस टॉपिक पे एमसीक्यू नहीं लाए थे हमने तो उसी को कंप्यूटर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम टॉपिक है ये रोल ऑफ आई टी इन गवर्नेंस इस पे एमसीक्यू लेके आए हैं ठीक है तो कुछ हमने टॉपिक जो है इसके अंदर आते हैं वो कवर किए हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी अगर अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट करके जरूर अपने व्यूज बताइएगा ठीक है और ये टॉपिक जो है हमारे जेकेस एसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट होता है ए है इलेवेंथ मई बी है इलेवन अक्टूबर सी ट्वेल्व अगस्त डी एट फेब्रवरी तो कब होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट right आंसर है इलेवेंथ मई ठीक है और 2021 जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट हुआ था 2021 में तो उसकी थीम क्या थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको पता होनी चाहिए हो सकता है कि कंप्यूटर में इस बार ऐसा सवाल भी कोई आ जाए क्योंकि आपके सिलेबस में यह टॉपिक है ठीक है तो ट्वेंटी की क्या थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर और नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इलेवेंथ मई को ठीक है ए इज द राइट आंसर सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस तो ई e गवर्नेंस की इनमें से क्या डिसएडवांटेज है ए है रियल टाइम अपडेट बी है डिजिटल डिवाइड सी है कॉस्ट रिडक्शन डी है ट्रांसपेरेंसी ठीक है तो इनमें राइट आंसर क्या आएगा डिसएडवांटेज आएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी डिजिटल डिवाइड ठीक है एक तरह का ये चैलेंज है जो गवर्नमेंट ने फेस किया है ड्यूरिंग ई गवर्नेंस ठीक है बाकी रियल टाइम अपडेट जो है ये आपको पता है हमें देता है कॉस्ट रिडक्शन तो आपको पता है कि हमारा जो पेपर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी ठीक है तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है उसके बाद ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी आ, हमारे ई गवर्नेंस की वजह से ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है ठीक है और भी काफी सारे जो है एडवांटेजेस हैं ई गवर्नेंस की लेकिन जो डिजिटल डिवाइड हो गया इकोनॉमिक पॉवर्टी प्राइवेसी सिक्योरिटी ये सब जो है एक तरह से चैलेंजेस हैं ठीक है थीके? जो गवर्नमेंट को अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं तो इनको हम डिसएडवांटेज में कवर करते हैं तो इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी Third question An online portal in which one can easily store and share their documents with service providers who directly access them electronically is called A. My Government, B. Darpan. सी डिजिटल इंडिया डी डिजी लॉकर तो कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है वो ऑनलाइन जो है आप सेव कर सकते हैं और आप जो है गवर्नमेंट से फिर उनका डायरेक्ट एक्सेस भी ले सकते हैं तो वो हमारा कौन सा है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर डिजी लॉकर ही एक इस तरीके का पोर्टल है ठीक है जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाया है ये एक तरह का जो डिजिटल इंडिया आया था ठीक है उसके अंदर ही ये एक इनिशिएटिव लिया गया था डिजी लॉकर का ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन एन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर पेंशनर्स इज कॉल्ड तो कौन सा है जो पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया गया है और ये आधार बेस्ड है तो ए है जीवन प्रमाण बी है मोबाइल सेवा सी प्रगति डी दर्पण तो फोर्थ का राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए जीवन प्रमाण ठीक है तो फोर्थ का राइट आंसर जीवन प्रमाण है जो मोबाइल सेवा है ये आपको पता है जो भी आप सर्विसेज मोबाइल के थ्रू करते हैं इसका मतलब यही है और प्रगति जो है ये एक तरह से जो है हमारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लाने के लिए ई ट्रांसपेरेंसी और ई अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है ये एक तरह से इम्प्लीमेंट की गई थी 2015 में और जो दर्पण है ये हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टेट के अंदर ठीक है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको मॉनिटर करने के लिए ही बनाया गया था ठीक है तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए जीवन प्रमाण इट इज एन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो कि हमारे जो पेंशनर्स हैं ठीक है उनके लिए है Next question. वट इज द मोटो ऑफ डिजिटल इंडिया लॉन्च बाई पीएम नरेंद्र मोदी तो जो हमारा डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा तो ये इसका मोटो क्या है आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि ये कब लॉन्च हुआ था ठीक है कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था डिजिटल इंडिया तो ए है ऑप्शन गवर्नेंस एंड सर्विसेज बी है पावर टू एम्पावर सी है प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग और डी है माई इंडिया डिजिटल इंडिया तो जो ये डिजिटल इंडिया है ये मैं बता देती हूँ आपको कि ये 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था ठीक है और इसका जो मोटो रखा गया था वो क्या था ऑप्शन नंबर बी पावर टू एम्पावर ठीक है इसके कुछ विजन एरियाज थे और कुछ इसके पिलर्स थे ठीक है डिजिटल इंडिया के या आपको याद रखना पिलर्स हैं ठीक है और इसके जो विजन एरियाज हैं वो हमारी यही गवर्नेंस ठीक है सर्विसेज जो है हमारी डिमांड पे जो होनी चाहिए प्रॉपर टाइमिंग पे ठीक है और एवरी सिटीजन हर सिटीजन तक जो है एक कोर यूटिलिटी होनी चाहिए ठीक है हाई स्पीड जो है इंटरनेट मिलना चाहिए ये सब चीजें जो है हमारे डिजिटल इंडिया के अंदर ये सब कवर किए थे इन्होंने और इसका मोटो क्या रखा था पावर टू एम्पावर ठीक है तो ये आपको याद रखना है और ये आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है ठीक है तो किसने लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कब टू में मोटो क्या है पावर टू एम्पावर और कौन सी मिनिस्ट्री uh, के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इसके नाइन पिलर्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ई कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए इंटरेस्टेड गुड बी ओपन मार्केट ऑपरेशन सी प्रोडक्ट एंड सर्विस इंटरनेट डी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कामर्स क्या है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑवर इंटरनेट ठीक है तो इनकी बाइंग और सेलिंग जो होती है जो भी इंटरनेट पर प्रोडक्ट होते हैं उसी को हम ई e कॉमर्स बोलते हैं आप किसी भी एप के थ्रू कुछ खरीदते हैं ठीक है कुछ भी आप बेचते हैं आजकल आपको पता है बहुत सी एप्स के थ्रू आप अपना जो पुराना सामान है वो भी आप सेल कर सकते हैं ठीक है अब जैसे अमेजॉन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह ऐसी एप्स कुछ खरीदते हैं तो ये सब चीजें जो है ई कॉमर्स के अंदर आती हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑवर इंटरनेट की बाइंग सेलिंग को ही हम ई e कॉमर्स कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली लॉन्च पोर्टल ई रकम इज रिलेटेड टू तो ये पोर्टल जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है ई e रकम तो ये किससे रिलेटेड है ए है फार्मर्स बी स्टूडेंट्स सी पेंशनर्स डी आर्मी पर्सनल्स तो ई रकम किसके रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फार्मर्स के रिलेटेड है ये ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए ई रकम ऐसी चीजें आ सकती हैं प्रगति क्या चीज है दर्पण कौन सा इनिशिएटिव है ई रकम क्या है ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ठीक है ई कॉमर्स क्या है तो ये ई रकम जो है ये फार्मर्स के रिलेटिव है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएचआईएम एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन यूपीआई तो जो हमारा यूपीआई है ठीक है आपको पता है कि जो अभी प्रीवियस एग्जाम हुए थे इसमें जेकेस ने यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी है ठीक है तो ऐसी फुल फॉर्म्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेकेएसएसबी से तो बी की यहां पे फुल फॉर्म पूछी है कि ये जो एप्लीकेशन है ठीक है जो कि हमारे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाई है ठीक है बेस्ड ऑन यूपीआई सिस्टम ठीक है यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है आप सबको पता होनी चाहिए अभी तो पेपर में भी आ चुकी है कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है मैं देखूंगी मैं सबके कमेंट चेक करती हूँ जो भी जो लिखते हैं सब हम रीड करते हैं ऐसा नहीं है कि हम कमेंट रीड नहीं करते तो यूपीआई की फुल फॉर्म आप लिख के बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में तो ए है ऑप्शन भारतीय इंटरनेट मनी ऐप बी है भारतीय इंटरनेट मोबाइल सेवा सी है भारत इंटरफेस मोबाइल सर्विसेज और डी है भारत इंटरफेस फॉर मनी तो बीएचआईएम के फॉर्म क्या है ऑप्शन नंबर डी ठीक है भारत इंटरफेस फॉर मनी ही की के फॉर्म है और ये एक तरह से यूपीआई बेस्ड ही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है एप्लीकेशन है जिसमें आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस सिस्टम तो इनमें से कौन से जो हैं वो बेनिफिट्स हैं ई e गवर्नेंस के फर्स्ट है क्वालिटी सर्विसेज टू सिटीजेंस सेकेंड है सिंप्लिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी थर्ड है एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नेंस फोर्थ है स्पीड तो ए ऑप्शन है वन एंड टू ओनली बी है वन टू थ्री फोर सी है वन थ्री फोर और डी है टू एंड थ्री तो इनमें से क्या बेनिफिट्स हैं हमारे ई e गवर्नेंस के क्वालिटी सर्विसेज टू सिटीजन्स है सिंप्लिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नेंस है या स्पीड है तो ऑप्शन नंबर क्या राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है वन टू थ्री और फोर ये तीनों जो है हमारे ई गवर्नेंस सिस्टम जो है उसके बेनिफिट हैं ठीक है स्पीड भी अच्छी प्रोवाइड करता है वो ठीक है सर्विसेज भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं सिटीजन को इनमें सिम्प्लिसिटी है इनमें अकाउंटेबिलिटी जो है मैंने आपको पहले भी बताया ठीक है उसके बाद रीच ऑफ गवर्नेंस ठीक है ये जो है हर एक सिटीजन तक पहुंचना इनका मेन विजन एरिया में यही आता था इनका की विजन यही था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ऐसा जो हर एक सिटीजन तक पहुंचाया जाए ठीक है तो ये सब जो है हमारे ई e गवर्नेंस के बेनिफिट्स हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड एंड क्वेश्चन आधार उमंग डिजी लॉकर टाइप ऑफ इन ई ई गवर्नेंस तो गवर्नेंस e के अंदर जो ये इंटरक्शन आती हैं आधार उमंग डिजी लॉकर ये कौन से तरह की इंटरेक्शन है ए जी टू जी बी जी टू बी सी जी टू सी डी जी टू तो जी टू जी की फुल फॉर्म क्या है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ठीक है जी टू बी है हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस जी टू सी है हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन और डी है हमारा जी टू e जो है गवर्नमेंट टू इम्प्लॉयज तो आपको पता है कि आधार जो है वो सिटीजन्स तक गवर्नमेंट ने पहुंचाया है उमंग जो है ये एक सिटीजन के लिए बनाया है डिजी लॉकर भी सिटीजेंस के लिए आम आदमी के लिए बनाया है तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं कौन से इंटरेक्शन में ऑप्शन नंबर सी जी टू सी ठीक है ये सब गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन के अंदर आते हैं जो कि हमारी ई गवर्नेंस ने डेवलप की है बाकी जी टू जी जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में हमारे ई कोर्ट्स आते हैं ई पुलिस आती है ठीक है गवर्नमेंट बिजनेस में हमारे ई e टैक्सेशन आ जाती है जो भी टैक्स वगैरह रेवेन्यूज होते हैं और गवर्नमेंट टू इम्प्लॉयज़ में हमारे ई e लर्निंग आ जाता है ठीक है और जो हमारा ये है गवर्नमेंट टू सिटीजन इसमें आधार उमंग लॉकर आता है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको कोर एरियाज पता चले होंगे कि कैसे सवाल जो है इसमें से रोल ऑफ आई टी इन गवर्नमेंट में से आ सकते हैं आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और अगर आप कंप्यूटर की और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टॉपिक्स के रिलेटेड है तो आप हमारी प्ले में जरूर विजिट कीजिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले का लिंक दे दूंगी आप वहां पर जाके हर एक टॉपिक पे आपको अलग अलग जो है सेक्शन वाइज वीडियोज अवेलेबल हैं एमसीक्यूज पे स्पेसिफिकली हमने वीडियोस बनाई हैं विद एक्सप्लेनेशन तो आप जाके जरूर चेक कीजिएगा सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू